जी गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स आई एर इंग्लिश टीचर टुडे इज डेट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सितंबर टू ट्वेंटी वन एंड डे इज ट्यूसडे डे टुडे स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट एच ऑफ चैप्टर नंबर थ्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मैजिक सीड पार्ट एच डेट इज दो आर पहले आप मैं आप लोगों को अच्छे से ये पूरा समझा देती हूँ फिर हम ये फिलअप करेंगे ठीक है अब यहाँ देखो हम समझेंगे दिस इज दिस आर That इज those आर ठीक है अब यहाँ देखो सिंगुलर पुलुरल ठीक है सिंगुलर का मतलब क्या है पुलुरल का मतलब क्या है सिंगुलर का सिंगुलर का मतलब है एक जैसे ये एक पेन है सिंगुलर है ठीक है और ये क्या है एक से ज़्यादा पेन है ठीक है ये क्या हुआ प्लूरल एक से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं प्लूरल कहते हैं अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या दिखाएंगे सिर्फ एक ही पेन ओके okay? ये एक ही पेन है तो सिंगुलर अगर एक से ज़्यादा होगा तो क्या है प्लूरल ठीक है अब यहाँ देखो सिंगुलर में आएगा दिस जब हम एक दिखाते तो अब हम दिस दैट बो, बोलते ठीक है दिस इज अ पेन वैसे कहते हैं ठीक है दैट बुक दिस दिस हम कब यूज़ करते दिस हम तब यूज़ करते जब वो चीज़ हमारे पास हो ठीक है दिस बुक और डेढ़ हम कब यूज़ करते हैं डेढ़ जब हमसे दूर हो जैसे ये पास है दिस पेन अगर ये ज़्यादा दूर है तो देढ़ पेन जब दूर होता है तो डेढ़ पेन हम दिखाते हैं ठीक है दिस पेन डेढ़ पेन जब एक ही पेन हो अगर नज़दीक हो तो दिस दिस पेन अगर दूर हो तो दे पेन ओके अब प्लूरल प्लूरल में जब नज़दीक हो और एक से ज़्यादा हो ठीक है दीस पेंस तीन पेन दीस पेंस जब नज़दीक हो हमारे पास हो ठीक है लेकिन ज़्यादा दूर हो तो दो पेंस दो पेंस ये प्लूरल में है एक से ज़्यादा पेन है लेकिन दूर है ठीक है दो स्पेन आएगा जब दूर होगा तो दो पेंस अगर नज़दीक होगा तो दीस पेन और ये प्लूरल में एक से ज़्यादा है अगर एक होगा तो दिस टी एच आई एस ठीक है दिस पेन ओके अगर दूर होगा तो देट पेन और जब एक से ज़्यादा होगा तो टी एच ई एस ई दिस pens दूर होगा तो टी एच ओ एस ई दो पेन्स ओके आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे पार्ट एच ओके अब यहाँ देखो यहाँ पे यूज़ किया है टी एच आई एस दिस दिस हम तब यूज़ करते जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक हो टी एच ई एस और ये सिंगुलर में है ठीक है टी एच ई एस दिस एक से ज़्यादा और जब चीज़ हमारे पास हो ठीक हो अब यहाँ देखो ये सारे चीज़ें ये के ये सब क्या है हैं ये सब इस लड़के के पास है नज़दीक है ठीक है यहाँ पे हम क्या यूज़ किया हमने टी एच आई एस टी एच ई एस यूज़ किया ठीक है अब यहाँ देखो अब यहाँ देखो ये लड़का दूर बैठा है और दिखा रहा है ठीक है दूर है इसीलिए जब दूर होता है कोई चीज़ तब हम सिंगुलर में दे यूज़ करते हैं और प्लुरल में टी एच ओ इस एस ई यूज़ करते ठीक है, है अब यहाँ देखो राइट देट इज़ और दोज आर टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस हमें क्या फिल करना है देट इज़ फिल करना है और दोस आर देट इज़ हमें अगर एक चीज़ दिखा रहा हो तो वो लड़का एक चीज़ दिखा रहा हो तो देट इज़ आएगा और वो लड़का एक से ज़्यादा दिखा रहा हो तो दोस आर यूज़ करना है फिल करना है ठीक है अब यहाँ देखो अब यहाँ देखो देट यहाँ पे फिल फिल करना है डेट इज आर आ ट्री यहाँ पे क्या ट्री यहाँ पे एक ही ट्री है ठीक है फिर इसके साथ क्या आएगा देट इज़ वो एक वो एक ट्री है ठीक है देट इज़ क्योंकि एक है ठीक है जब हम एक होता है तो क्या यूज़ करते ये एक ट्री है ठीक है और ट्री के ऊपर बहुत सारे एप्पल है ठीक है एक से ज़्यादा एप्पल है देखो यहाँ रेड कलर के कितने एप्पल है बहुत सारे एप्पल है तो दो और एप्पल्स और जब एक से ज़्यादा होता तो ए डबल पी एल ई एप्पल है स्पेलिंग लेकिन ए डब्ल पी एल ई एस होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ हो तो दोज आर एप्पल वो सब सेफ है ठीक है अब यहाँ पर देखो सेकेंड देट इज़ अ पट ये एक तालाब है यहाँ पर एक ही तालाब है ठीक है दोज आर सोन्स क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा सोन्स है तो दोज आर ये क्या है सोन्स है ठीक है फिर थर्ड देट इज़ सनफ्लावर वो क्या है एक सनफ्लावर है डेट आएगा क्योंकि वहाँ वो दिखा रहा है दूर है उससे ठीक है इसीलिए डेट यूज़ हो रहा है दैट इज़ सनफ्लावर ये एक सनफ्लावर है एक ही फ्लावर है ठीक है दोज आर बटरफ्लाई लेकिन बटरफ्लाई एक से ज़्यादा है तो ये क्या है ये सब बटरफ्लाई है ठीक है आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो अच्छे से आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है और साथ में लिखना भी है बुक पे ही लिखना है कॉपी पे नहीं लिखना है ठीक है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू